टैंक यू कहता है कि तुम उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं। जिया कहती है कि क्या कहूँ मैं, अगर मैं कहूँ कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे। टैंक यू कहता है कि हाँ मैं यकीन कर लूँगा। फिर शिनशिन से कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि जिया पहले कैसी थी, अब वो मेरी वुमेन है और मैं किसी को भी उसकी इंसल्ट या पूरे वर्ड्स कहने की इजाज़त नहीं दूंगा और आज के बाद से तुम्हें टैंक फैमिली में कदम रखने की कोई इजाज़त नहीं। ये सुनकर जिया मन ही मन खुश होती है। नेक्स्ट सीन में जिया टैंग्यू को थैंक्स कहती है तो टैंग्यू कहता है तुम्हें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है और दादाजी को हम बहुत कम ही इतना खुश देखते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। जिया कहती है कि मुझे पता चला है कि तुमने दादाजी की वजह से जल्दी शादी की। टैंग्यू कहता है कि हाँ, और तुम्हें इतनी हंसी किस बात पे आ रही है। जिया कहती है कि तुम सच में बहुत प्यारे हो। टैंग्यू कहता है कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। जिया कहती है कि तुम दूसरी लड़कियों के दिल के चैन हो सकते हो लेकिन मेरी नज़र में तुम मेरे लिए एक खजाना हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये सुनकर टैंग्यू पीछे मुड़ता है तो जिया उसे मार कर कहती है कि हिलो मत वरना सुई चुभ जाएगी। नेक्स्ट डे टैंग्यू अपनी तस्वीर देख रहा होता है और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है जब वो कार रेसिंग किया करता था और हर बार वो चैंपियन हुआ करता था। जिया आती है और ट्रीटमेंट के लिए चलने के लिए कहती है तो टैंग्यू अपनी तस्वीर छुपा लेता है और जिया से कहता है कि मेरा मूड नहीं है, तुम जा सकती हो, मुझे अकेला छोड़ दो। जिया पूछती है कि क्या हुआ, तुम थोड़े अपसेट लग रहे हो। टैंग्यू कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। जिया कहती है कि क्या तुम इसलिए परेशान हो कि तुम्हारा पैर ठीक नहीं होगा, तो टैंग्यू गुस्से से कहता है कि तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती, दफा हो जाओ यहाँ से। जिया जा रही होती है तो टैंग्यू गुस्से से अपनी तस्वीर फाड़ रहा होता है। जिया ये देख लेती है और सोचती है कि क्या ये रेसिंग ड्राइवर हुआ करता था। फिर उसका मूड ठीक करने के लिए उसके पास जाती है और कहती है कि चलो ट्रीटमेंट के लिए जगह बदलते हैं, जिसके बाद वो उसे स्पोर्ट कार में बिठा देती है। टैंग्यू कहता है कि तुम इसे ट्रीटमेंट की जगह कहती हो। जिया कहती है कि बीमारी को दूर करने के लिए पहले दिल का इलाज करो, मेंटल ट्रीटमेंट भी एक किस्म का ट्रीटमेंट है। ये कहते ही वो कार स्टार्ट करती है पर स्लो और बुरा चला रही होती है तो टैंग्यू कहता है ये तुम क्या कर रही हो। जिया कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो टैंग्यू अपना कमाल दिखाता है और फुल स्पीड में कार चलाता है। मूड ठीक करने के बाद दोनों आइसक्रीम खाने आते हैं। जिया जानबूझकर अपनी आइसक्रीम गिरा देती है और कहती है कि जिंदगी ऐसी है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तुम व्हील चेयर में बैठे हो लेकिन तुम दूसरे लोगों से ज्यादा स्ट्रांग हो, सो तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो। टैंग्यू भी अपनी आइसक्रीम गिरा देता है और कहता है कि क्या कहा, सेंसिटिव, तुम नहीं समझोगी, चली जाओ यहाँ से। जिया नहीं जाती तो टैंग्यू कहता है कि तुमने सुना नहीं, मैंने तुम्हें जाने को कहा। जिया चुपचाप चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद खुद व्हील चेयर में बैठ कर आती है और कहती है कि अब हम एक जैसे हैं। शिनचिन जिया का घर खरीदना चाहता है। जिया कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, और तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या। शिनचिन कहता है कि मेरे पास तो नहीं लेकिन लिन के पास तो है ना। जिया कहती है कि कितने घटिया इंसान हो तुम, लिन तुम्हारी सच्चाई नहीं जानती वरना वो तुम्हारे मुंह भी ना लगती। शिनचिन कहता है कि सोच समझ कर बोलो वरना तुम्हारा बेटा। ये सुनकर जिया उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि अगर तुमने मेरे बेटे को छूने की भी हिम्मत की ना तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। शिनचिन कहता है कि उस आग में उसे जलाकर मार देना चाहिए था। जिया कहती है तो उन सब में तुम्हारा हाथ था, जानवर हो तुम। ये कहते ही वो चली जाती है। तभी लिन आती है तो शिनचिन मुंह पे पानी फेंक कर गाल पकड़ कर बैठ जाता है। लिन उसे ऐसे देख कर पूछती है कि क्या हुआ। शिनचिन झूठ कहता है कि जिया ने मुझसे पैसे उधार मांगे, मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। ये सुनकर लिन शिनचिन के साथ दादी के पास पहुंच जाती है और उन्हें सब बता देती है। जिया जब घर आती है तो बायलू उससे कहती है कि कल से तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। जिया कहती है क्या टैंग्यू इस बारे में जानता है और उसके ट्रीटमेंट का क्या। लिन कहती है कि दादी का मतलब यह है कि तुम जैसी लड़की हमारे टैंग परिवार में आने के लायक नहीं,
जिया कहती है, क्या मिस्टर टैंग ने ये सब कहा? तो बायलू कहती है कि तुम जाती क्यों नहीं, जा रही हो या किसी को बुला कर निकलवाऊं? जिया कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। ये कहते ही वो जा रही होती है कि तभी टैंग यू उसे रोकता है और कहता है कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम हो के जा रही हो। लिन कहती है कि अंकल आज इसने शिनचिन से पैसे मांगे, उसने मना किया तो इसने उसे थप्पड़ मारा। टैंग्यू कहता है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने को? लिन रोते हुए कहती है कि ये इसकी गलती है, इसने मेरे शिनचिन को मारा। टैंग्यू सॉरी कहता है तो शिनचिन लिन से कहता है कि अंकल टैंग्यू ने उसके बदले माफ़ी मांग ली ना, तुम माफ़ कर दो। तो टैंग्यू कहता है कि मैं जिया से माफ़ी मांग रहा हूँ। लिन को ये बात पसंद नहीं आती, वो गुस्से में चली जाती है। शिनचिन जिया से सॉरी कहकर लिन के पीछे चला जाता है। टैंग्यू जिया को क्रेडिट कार्ड देकर कहता है कि ये लो तुम्हारी सैलरी, लेकिन एक शर्त पर मिलेगी, आज के बाद तुम्हें शिनचिन से अकेले मिलने की इजाज़त नहीं। जिया उसके क्लोज जाकर कहती है, तो क्या ये काम करने से पहले के पैसे हैं या बाद के? टैंग्यू कहता है, ऑफ कोर्स पहले के। बायलू और लिन साथ मिलकर डुकू की वीडियो देख रहे होते हैं, तभी जिया आती है। बायलू उसे देखकर लिन से कहती है कि इस बच्चे को देखो, ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे अंकल का बेटा है। लिन कहती है कि दादी क्या ऐसा हो सकता है? तो बायलू उसे लिन के बचपन की तस्वीर दिखाकर कहती है कि देखो इन्हें बिल्कुल सेम है। जिया उनकी बातें सुन रही होती है। लिन कहती है, दादी अगर ये सच है तो चलें इस बच्चे को घर ले आते हैं। बायलू कहती है कि चलो तुम्हारे अंकल से पूछते हैं, जिसके बाद वो टैंग्यू के पास जाती हैं। बायलू कहती है कि तुम याद करने की कोशिश करो, क्या पता कुछ याद आ जाए तुम्हें। टैंग्यू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बायलू कहती है कि तुम एक बार सोचो तो सही, मैं जब भी इस बारे में बात करती हूँ तो तुम बात को टाल देते हो। टैंग्यू कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने आज तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। ये सुनकर जिया हंसने लगती है। लिन कहती है कि अंकल मजाक मत करो, मैंने कई बार देखा है बहुत सी लड़कियां आपके पीछे लट्टू थी। तो टैंग्यू कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे ट्रीटमेंट करवाना है। लिन और बायलू के जाने के बाद टैंग्यू जिया से पूछता है कि तुम किस बात पर हंस रही थी। जिया कहती है, नहीं तो मैं कहाँ हंस रही थी। टैंग्यू कहता है, यहाँ कोई नहीं है, तुम कह सकती हो। जिया कहती है, तो तुमने जो कहा वो सच है? टैंग्यू कहता है, क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि आज रात तुम मत जाना। ये कहते ही उसे प्यार से देख रहा होता है। जिया शर्मा जाती है, फिर कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, डुगू घर पर अकेला है, मेरा इंतजार कर रहा है। टैंग्यू नहीं छोड़ता तो जिया रोने लगती है। टैंग्यू कहता है, क्या हुआ, रो क्यों रही हो, चुप हो जाओ। जिया कहती है, तुम नहीं जानते कि सिंगल मॉम होने के नाते मेरे लिए बच्चे की परवरिश करना कितना मुश्किल है, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जितना लकी है? टैंग्यू पिघल जाता है और कहता है कि ठीक है तुम जल्दी घर चली जाओ। जिया कहती है, सच में? वो उसे थैंक्स कहकर 9-2-11 हो जा रही है। टैंग्यू कहता है, अच्छा तो ये एक्टिंग कर रही थी, मुझे उल्लू बना गई। असिस्टेंट कहता है, सर जी मैंने कुछ नहीं देखा। डुगू मॉम के लिए गर्म पानी ले आता है और कहता है कि मॉम आप थक गई हो ना, लाओ मैं आपके पैर धो देता हूँ। जिया प्राउड फील करती है और कहती है कि मेरा डुगू बहुत प्यारा है। डुगू और वैन बातें कर रही होती हैं तो जिया को बायलू की बातें याद आती है, जिससे जिया को भी ऐसा लगता है कि डुगू टैंग्यू का बेटा है। वैन कहती है कि किन ख्यालों में खो गई हो। जिया उसके कान में कुछ बताती है जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि अगर डुगू सच में टैंग फैमिली का बेटा हुआ तो। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।